दांत लगा रखा है यार, कहीं भी धोखा में चले जाओ यार ये तो अली का भाई है, कहीं भी चले जाओ यार ये तो गुलाम मुस्तफा का बेटा है। ये मेरी खुद की पहचान नहीं है क्या? मुझे अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे आना हुआ? जी मैं एक काम से आया हूँ, मुझे आपके पास काम करना है। काम करना है? काम बेटे, असल में हमारे काम का ये हिसाब है कि ये काम सीखना पड़ता है पहले, इसके लिए आपको जो है हमारे पास शागिर्दी करना पड़ेगा। आप ऐसा कर बैठे यहाँ पर, बेटे दरअसल बात यह है कि ये हमारा काम जो है एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत मुश्किल काम है, ये आपके बस का नहीं है। असल में इसके लिए आपको पहले ये काम सीखना पड़ेगा बेटा। मैं सीख जाऊँगा बहुत जल्दी। जल्दी कितना जल्दी? ये एक दो दिन में नहीं सीखा जाता, या एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं, इसमें दो साल भी लग सकते हैं, तीन भी लग सकते हैं। अगर आप पहले बात नहीं आया किस तरह से काम करने, तो इसमें तीन चार साल बल्कि दस साल भी लग सकते हैं, हो सकते हैं आप सीख नहीं भी सको ये काम। नहीं बेटे ये आपका बस का नहीं है, आप पढ़ें। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं काम भी करना चाहता हूँ। अच्छा आप पढ़ते भी हो और चाहते हो काम करना क्या है? आपके सफर तो थोड़े ध्यान पे जाने लग रहा है। आप किसके बेटे हो? गुलाम मुस्तफा। अच्छा हो, जिसके जमीन है जो जमींदार है, अरे वो तो मेरा यार है यार, आप उसके बेटे पहले क्यों नहीं बताया? मिला आज इसके, ये आपका अपना दुकान है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे अगर मशवरा आप समझना चाहते हैं, आपके बाप मेरे भाई जैसे दोस्त हैं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। आप इतने बड़े बाप के बेटे काम कर रहे हैं, मैं हैरत में हूँ। नहीं बात दरअसल ये है कि मुझे अपना एक नाम बनाना है, अभी देखो आप नहीं पहचान रहे थे, जब बाप का नाम भी आप मुझे पहचान गए, अगर भाई का नाम रहता है तब भी आप मुझे पहचान लेते हैं, मुझे अपना एक पहचान बनाना है। बिल्कुल बेटे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपके पूरे फैमिली को, मैं जानता हूँ माशाल्लाह अच्छे घराने से हो आप। ये क्या, ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने पहचान बनाना चाहता हूँ। वैसे पढ़ाई चल रही है आपकी, ये अच्छी बात है। तो फिर आपको जेब खर्च के लिए काम चाहिए तो मेरे दोस्त है, मेरा यार, उसकी बेकरी है, मैं आपको वहाँ पर शिफ्ट करूँगा, तो उसके लिए जो है आपको मेरे पास कल आना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ, आप पहले मुझे फ़ोन करें, मैं उससे बात करूँगा, आप फ़ोन पर मुझसे बात करें, फिर उसके बाद जो है मैं अपने यार की बेकरी में आपको लगा दूँगा। आप ये मेरी दुकान की कार्ड है और उसमें मेरे मोबाइल नंबर भी है, ठीक है जी? ये मेरा नंबर है, आप इस पर मेरे को कॉल करें, जब मैं आपको बोलूँगा आपका काम हो गया तो आप मेरे पास चले आना, मैं आपको लेके जाऊँगा अपने पास, ठीक है? और आप बैठे, आपके लिए कुछ चट्टा चाय वगैरह नहीं, कुछ तो पी लेते हैं यार, ऐसा नहीं हमारे यार शिकायत करेगा गुलाम मुस्तफा से। आप पता नहीं चलेगा ना, अच्छी बात है, ठीक है। अगर मुझे भी अगर कहीं हो मिला तो मैं उसे नहीं बोलूँगा कि राजीव बेटा मेरे पास आएगा, ठीक है? ठीक है, आप जाएँ फिर कल मेरे पास आप ज़रूर आएँ, लेकिन ये कि पहले कॉल। जी जी मैं कॉल करता हूँ, ठीक है बेटा, खुदा हाफ़िज़। अच्छा बेटा, वालेकुम सलाम। जी जी आप कौन? असल में मैं देखो, मैं ओमान एम्ब्रॉयडरी हाउस से बात कर रहा हूँ जी, माजिद। अच्छा अच्छा राशिद बेटे आप हो, जी 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 हाँ हाँ, फिर कैसे हैं? नहीं बेटे, वो तो आपका काम मैंने पहले फुर्सत में कर दिया था, मैंने अपने यार से बात किया, वो मेरा पंजाबी यार ने बोला अपने बच्चे को ले आ, तो ठीक है मैंने उससे कहा मेरे भतीजे को काम पे लगा, तो आप आ जाए, मैं उसको पास आपको लेके जाऊंगा। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम जट साहब, सुना ठीक है जी? खैर मैं रे अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ ठीक हो? खैर मैं शुक्र। अच्छा ये आप अनीप से काम ले रहे हैं? अनीप से अंदर आराम पर मारा यार,
डॉक्टर ने उसके काम था अनीत पेट से मिलने तुमने उसे बोला अंदर बोला आ जाओ अंदर मसला नहीं जब आपने लेकर मसला नहीं लगा देखे काम पे आप आए बस और सिफारिश की जरूरत ही नहीं आप आगे इंशाल्लाह लगा दीजिए हम लोग काम पे इंशाल्लाह भाई लड़का भी अच्छा है। अच्छा बेटा इधर आ ना ये जो हमने बंदा लेकर आया ना नया इसको और जो जितने जो सामान पड़े हुए हैं ना ये सबका जो है रेट इसको बता देना रेट इसको बता देना ठीक है फिर मैं भी जा रहा हूँ ठीक है ना बस ये तुम्हारा हवाला है भी उसको रेट संभालना पकड़ो और रेट समझा उसको क्या रेट है ठीक है ना ओके अल्लाह हाफिज। ये खीर 80 रुपए 50 रुपए की क्या 4 20 की है 180 चौरस 120 सरब 300 चलो यार एक तो इतनी गर्मी में एक तो ये मक्खियां भी छोड़ रहे हैं यार और एक कहाँ से पर सीने के ऊपर तो कुछ करना पड़ेगा अब मैंने यहाँ पे आटा लिखा है अब मक्खियां तो नहीं बैठेंगे अभी अब बिल्कुल बढ़िया होंगे। अस्सलाम वालेकुम एक किलो चीनी देना एक चाय का बक्सी एक दूध का डब्बा चाय दूध और चाय पत्ती क्या कर रहे हो तो आटा है हाँ भाई ये क्या कर रहे हो तो आटा है मैं तो चीनी मांग रहा हूँ यार ये चीनी है मक्के को बेकू बनाने के लिए और वहाँ पे मैंने लिखा है आटा इसके मेरे यहाँ मक्खियाँ भी नहीं आ रहे हैं वही तंग नहीं कर रहे हैं समझ गया आपकी चीनी और दूध ठीक है कितने पैसे हो गए ये पैसे एक दूध है चाय पत्ती है चीनी है इनके 150 रुपये हो गए बहुत फर्क आ रहे भाई तुम जो है नुकसान आ रहे भाई नुकसान दे रहे मेरे ये भाई का ये डबल ट्रिबल मेरे को फायदे दिए अभी नुकसान कैसे हुए आप बताओ मुझे कि अभी नुकसान कौन भरेगा ये आपके दिहाड़ी से काटूँ तनखे से या जो ये रखे नहीं ना मैंने माल 1 लाख रुपए का रखे आपको 1.5 लाख रुपए करने चाहिए आपने जो है ना 50,000 बनाया अभी आप बोलो कर्जदार हो गए मैं डबल ट्रिबल नुकसान दे रहे आप जब ये पुराना बंदा था देख कितना लेट थे आप दे दो कितने अभी नुकसान कौन भरेगा ये नुकसान कौन भरेगा अभी इतना तो नुकसान हो गया मेरा 1 लाख का जगह में 1.5 लाख होना चाहिए आपने ये आप 50,000 बनाए इसका भी कौन जिम्मेदार है आप बताओ मुझे भाई ये देखो कितना फायदा दिए पुराना लड़के इतने 2 लाख रुपया बनाए बोलो आपने 50,000 रुपया बनाया आप तो फिर आप ऐसे करो पारे टोपे
आप तो चले जाओ, और ये पुराना बंदा सही है, मेरे को फायदा मिल जाए। आपका जो रेट जो आपका जो तनखा है वो तनखे से कुछ काटेगा कुछ माफ करेगा, पर पुराना लड़का है, आप जो है ना कल से मत आओ। ठीक है भाई, हाँ नुकसान आ रहा है भाई बहुत, समझ नहीं आ रहा है, महंगाई देखो कितना महंगाई हो गया। ठीक है भाई, बाकी आप कल से जो है ना आप हिसाब किताब ले लेना शाम को। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, कैसे आप ठीक हो? खैर ठीक मजे में आया। हाँ अच्छा, आप ऐसा करें जरा फोन राशिद बेटा को दे दें। आया तो राशिद को निकाल दिया काम से। क्या ठीक है, आया सेठ आया तो उससे कह देना कि मेरे को फोन करें। आया वालेकुम सलाम अयाज भाई, आप फौरन मेरे दुकान में आ जाए। नहीं बात, मैं भी आ रहा हूँ, पाँच मिनट में आ रहा हूँ। वालेकुम भाई, कहिए तो तबीयत ठीक है? ठीक है आप बैठे। भाई बहुत नुकसान, लाख रुपए का सामान मैंने डाल दिया, डेढ़ दो लाख रुपए टूटा था, इतने सारे में 50,000 पैसा टूटा। आप बोलो कितना नुकसान, तो पुराना लड़का तो इससे डबल ट्रिपल मुझे दे। अच्छा तो आपका कहने का मतलब क्या है, मेरा बंदा चोर है? ये हो ही नहीं सकता भाई, आपने चोर अभी तक देखे नहीं है, चोर कहते हैं किसे? उस बच्चे को आप जोर कह रहे हैं जो चीनी का बोरी पे आटा लेता है, उसकी नादानी से ये समझने बैठते हैं कि मक्खियाँ जो है उसके ऊपर आके बैठना छोड़ देंगे, तो आप उस लड़के को चोर किस तरह से कह सकते हो? आपको शर्म आनी चाहिए अयाज भाई, एक बच्चे को चोर कहते हुए मुझे तो शर्म आ रहा है अपने आप से, मैं क्यों लाया उसको आपके पास। अच्छा माजिद भाई यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार, असल में महंगाई का वजह से मेरा दिमाग ने काम नहीं किया, बिला वजह में बच्चे को जो है ना नौकरी से निकाल दिया मैंने, थोड़ा परेशान था मैं यार, माफ़ी चाहता हूँ। ये भी अच्छी बात है, आपको अपना गलती का एहसास हो गया। हाँ एहसास हो गया मुझे। शिट यार, आज राशिद से मिलते हैं, राशिद यहाँ पे आया होगा यार, मुझसे मिला भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हो आप? आप सुनाओ आप यहाँ पे? मैं यार आपसे मिलने आया था यार, आप कराची में हैं, हमसे मिले भी नहीं। यार क्या ही फ़ायदा है यार, बहुत आज मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरा। क्यों क्या हुआ? यार मुझे अपना नाम कमाना है, अपने एक पहचान बनाना है, लेकिन वो भी एक मौका मुझे मिला था गोल्डन चांस, वो भी चला गया। फिर यार मेरे पास एक आइडिया है, खुद का कारोबार शुरू करो ना। खुद का काबू में क्या पैसे चाहिए थे, पैसे कौन देगा? तो पैसे तो हर कोई घर बैठे कमा रहे हैं यार, तुम भी कमा सकते हो। कैसे? तुम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। यूट्यूब चैनल? वो मुझे सब चलाना नहीं आता। कोई बात नहीं, यूट्यूब में ही सब कुछ बता दिया जाता है, तुम सर्च करो, चीज़ जो चीज़ नहीं है तो उसमें सिखा देंगे। सच में? हाँ देखते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? यार कंट्रोल को लाइक करो सबसे पहली बात, और सब्सक्राइब भी कर लो यार, इतने मेहनत करके बनाते हैं आप लोग के लिए वीडियो, आप लोग देखते भी नहीं हो, छोड़ो। एनीवे वैसे आप लोगों को एक बात कहना था कि आप लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा, उस वीडियो के एंड में सस्पेंस से 15 दिनों के बाद आखिर होगा क्या, ठीक है? क्योंकि अभी तो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका था, 15 मिनट का शायद हो चुका है वीडियो, अभी मतलब के पूरा बना तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखोगे मुझे पता है। यार अगर आप लोग चाहते हो कि आगे क्या होगा, 15 दिनों के बाद क्या होगा, क्योंकि मैंने दिया नहीं है इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग मुझे कमेंट कर लो, दादा ने 3 लोग मुझे कमेंट कर लो, ठीक है यार, इसका पार्ट 2 निकाल लो, तो मैं काम करने लग जाऊंगा पार्ट 2 के लिए इसके, और बहुत जल्द आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, बाय बाय।